ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियात के तौर पर 15 जनवरी के बाद चीन से भारत आए लोगों की काउंसलिंग की जाएगी। यदि किसी व्यक्ति में वायरस के लक्षण पाए जाते हैं तो उन्हें आइसोलेशन फैसिलिटी में रखा जाएगा। वायरस के प्रति आम जनता में काफी भ्रांतियां हैं जिन्हें दूर करने की जरूरत है। ये बात CMO जिला कांगड़ा डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता ने जोनल अस्पताल धर्मशाला के स्टाफ एवं BMO के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कही। कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियात के तौर पर 15 जनवरी के बाद चीन से भारत आए लोगों की काउंसलिंग की जाएगी। यदि किसी व्यक्ति में वायरस के लक्षण पाए जाते हैं तो उन्हें आइसोलेशन फैसिलिटी में रखा जाएगा। वायरस के प्रति आम जनता में काफी भ्रांतियां हैं जिन्हें दूर करने की जरूरत है। ये बात CMO जिला कांगड़ा डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता ने जोनल अस्पताल धर्मशाला के स्टाफ एवं BMO के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कही। CMO ने कहा कि अब तक कोरोना वायरस के 16,000 से अधिक मामले सामने आए हैं, उनमें अधिकतर चीन से संबंधित हैं। इस वायरस की वजह से अब तक 362 मौतें हो चुकी हैं, जिनमें से 361 मौतें चीन जबकि एक फिलीपिन में हुई है। भारत की बात करें तो देश में अब तक वायरस के 3 मामले सामने आए हैं जो कि केरल के साथ संबंधित हैं। ये तीनों लोग हाल ही में चीन के वुहान शहर से भारत आए थे। उन्होंने कहा कि आम जनता को इससे घबराने नहीं बल्कि एहतियात बरतने की जरूरत है। 15 जनवरी के बाद चीन से भारत आए लोगों की काउंसलिंग की जा रही है तथा जिनमें वायरस के लक्षण पाए जाएंगे उन्हें आइसोलेशन फैसिलिटी में रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के संबंध में कोई भी व्यक्ति टोल फ्री नंबर 104 और 1100 पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि एहतियात बरत कर और इससे बचाव के उपायों को करते हुए इस रोग से बचा जा सकता है। जो जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला में जो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ काम कर रहा है और साथ में जो हमारे प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं उनके साथ एक कोरोना वायरस बीमारी के बारे में लोगों में बड़ी भ्रांतियां हैं उसको क्लैरिफाई करने के लिए सभी को जागरूक करने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमें डायरेक्शन प्राप्त हुई हैं कि कोई भी नागरिक जो चाइना में पिछले 15 जनवरी के बाद भारत में आया है, ठीक है, उसको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिवाइस किया है, वो उससे भरवाया जाएगा। अगर उसको कोई लक्षण नहीं है तो उसको सिर्फ 14 दिन तक ऑब्जर्व किया जाएगा और उसको ये सलाह दी जाती है कि वो होम आइसोलेशन में रहे, ज़्यादा लोगों से मिक्सअप ना हो, कोई उसको लक्षण डेवलप होते हैं तो इमीडिएटली हमारे सिस्टम को रिपोर्ट करें, और अगर किसी उसको लक्षण कोई डेवलप होते हैं तो तुरंत नज़दीक के स्वास्थ्य संस्थान में चेक कराए। इसके लिए सरकार द्वारा 2 आइसोलेशन फैसिलिटीज़ एक RPGMC टांडा में और IGMC शिमला में डेवलप की गई हैं। अभी तक ऐसे सिम्टम्स के साथ और पॉजिटिव ट्रैवल हिस्ट्री के साथ हमारे पास कोई मामला रिपोर्ट नहीं हुआ है।